हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। बॉर्ड्स टीवी से आपको खुशामदीद कहते हैं। तो अक्सर हमारे कुछ न्यू फैंस यार जो अभी अभी बॉर्ड्स पालना शुरू किया है, बार बार ही पूछ रहा है कि इस सर्दी के मौसम में यानी इस जनवरी के महीने में हम अपने बॉर्ड्स को ऐसा क्या खुराक दे, मेडिसन दे, जिससे हमारे बॉर्ड्स की जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी मतलब कि हमारे बॉर्ड्स में ताकत पैदा हो जाए, क्या अगर कभी इनको कुछ बीमारी लाग होती है और वो खूबसूरती के साथ, कामयाबी के साथ डिफेंस करे यानी दिफा करे और बच जाए। तो व्यूअर्स, इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपके साथ तो प्रैक्टिकल शेयर करूंगा। प्रैक्टिकल का मतलब व्यूअर्स कि जो मैं अपने बर्ड्स को दे रहा हूं और मैं समझता हूं कि इससे बेहतरीन इम्यूनिटी को बरकरार बहाल करने के लिए शायद ही आपको कोई मेडिसिन मिले या खुराक मिले। मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूं वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो इससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स, यकीनी बात है कि इस वक्त इंतहाई सख्त सर्दी है और सर्दी के साथ साथ ब्रीडिंग सीज़न भी है, और सर्दी में तो आम इंसानों को भी ज़ुकाम फ्लो होती है। फिर बर्ड्स तो बर्ड्स है, इनकी इम्यूनिटी तो इंसान के मुकाबले में इंतहाई कमज़ोर होती है। ज़रूरी बात है कि आपके बर्ड्स बीमार होंगे। अब जब आपके बर्ड्स बीमार होंगे और आप इनको कोई एंटीबायोटिक देते हैं यानी मेडिसिन देते हैं, तो ज़रूरी बात है कि आपके बर्ड्स का जो ब्रीडिंग चल रहा है वो ज़रूर इफ़ेक्ट होगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि इसी तरह मेरे साथ हुआ था कि मेरे बर्ड्स अंडे दे रहे थे, दो अंडे दिए थे और उनको ज़ुकाम हो गए। मैंने कोई एंटीबायोटिक सिरप दिया तो वही दो अंडे ठीक किए और बाकी कोई भी अंडा नहीं किया। तो अब जब हमारे बर्ड्स बीमार होंगे तो ऐसा किया दे, क्योंकि व्यूअर्स अगर हम चाहते हैं कि हमारे बर्ड्स अंडे दे, कोई एंटीबायोटिक नहीं देते और इनके बजाय अगर हमारे पेड़ मर जाए फिर ये तो ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये आपके बर्ड्स का जो ब्रीडिंग है, अगर आपके बर्ड्स अंडे भी दे रहे हैं और आपके बर्ड्स को ज़ुकाम या फ्लू हो गई, आप फिर भी दे सकते हैं और आपके बर्ड्स का जो ब्रीडिंग जो चल रहा है वो बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो व्यूअर्स, वो आप देख सकते हैं कि वो यही गार्लिक लहसुन है जो नेचुरल एंटीबायोटिक है। आप किसी भी एक डॉक्टर से पूछ सकते हैं, इंसानों को भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप इनका इस्तेमाल रोज़ाना करें, स्पेशली इस तरह के सीज़न में। ये नेचुरल एंटीबायोटिक है, ये पहले तो आपके बर्ड्स को इम्यूनिटी भी बरकरार रखेगी और अगर आपके बर्ड्स को कुछ बीमारी हो गई तो फिर एज अ नेचुरल एंटीबायोटिक ये इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आपके बर्ड्स की फ्लो, ज़ुकाम या खांसी वगैरह जो होती है वो भी ठीक करते हैं। तो व्यूअर्स, मैं ये खुद अपने बर्ड्स पर अप्लाई कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि इस सीज़न में मैंने कोई भी बाकी सिरप इस्तेमाल नहीं किया, बस यही मैं दे रहा हूँ। तक अब इसको देना क्या है, व्यूअर्स ये ज़रूरी बात है, आपने इसको लाजमी सुनना है कि आपने इस्तेमाल किस तरह करना है। तो व्यूअर्स, इनका ज़्यादा इस्तेमाल यानी ज़्यादा इस्तेमाल का मकसद क्या कि आप सुबह भी दें और फिर शाम भी दें, इस तरह आप चंद दिन इस तरह मुसलसल दें, तो ये आपके बर्ड्स को नुकसान भी दे सकते हैं और स्पेशली आपके मटकों में जो चिक्स हैं उनको ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। आपने इसका इस्तेमाल करना कुछ इस तरह है कि आपने कम अज़ कम दो दिन बाद इस्तेमाल करना है, जब आपके आपको लगे कि हमारे बर्ड्स या तो सुस्त हैं या हमारे किसी बर्ड्स को ज़ुकाम लग रहा है, तो आपने इनको दो दिन बाद इस्तेमाल करना है और आमतौर पर आप इनको हफ्ते में एक बार दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह उसके बाद फिर आप खुद देख लेंगे कि आपके बर्ड्स किस तरह बीमारियों से बच जाते हैं। अगर आपके बर्ड्स को कोई बीमारी होती है तो इंशाल्लाह उस बीमारियों से कम्प्लीटली दिफा भी करेगी। तो व्यूअर्स, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काइंडली एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो, काइंडली सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।